श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है कि अगर आपका घर भूता है तो आप कैसे पता करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है उनके घर में किसी काला जादू का असर है या किसी साये का असर है, जिसके चलते वो सक्सेस नहीं कर रहे, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में आ रही हैं, बहुत तकलीफ़ आ रही है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाके किसी तांत्रिक को पकड़ते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट को पकड़ते हैं। अब अगर सही तांत्रिक या एक्सपर्ट मिल गया तो ठीक, वरना उनको भुगतना पड़ जाता है। वो गलत बोल के उनसे पैसे लेगा, या फिर बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ बड़े तुच्छे तांत्रिक होते हैं जो कि एक आत्मसानी सिद्ध करके रखते हैं, आपके घर जाएंगे, अपने ही आत्मा को वहाँ छोड़ देंगे जो उन्होंने बांध रखी है, और आप और परेशान, उसके बाद आप दौड़ते रहो उनके यहाँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बताऊं कि खुद कैसे जांच करें कि मेरे घर में या आपके घर में भूत है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका घर भूताहा है तो किस कैसे भूताहा होता है, देखिए तो कुछ लक्षण होते हैं भूताहा घर के, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन तीन तरह का भूताहा घर होता है। एक वो भूताहा घर होता है जिसमें साल के किसी एक दिन या किसी एक दिनांक को बहुत सारी चीज़ें होती दिखाई देती हैं, जैसे हर बार एक ही रूम कमरे में आपको कोई आत्मा आते जाते दिखेगी या कोई फांसी लगाते हुए दिखेगा। तो जब ऐसा कोई भूताहा घटना होता है उसका मतलब होता है कि उस कमरे में पहले ऐतिहासिक रूप में कुछ हुआ है। अगर ऐसा आपके घर में होता है कि किसी कमरे में या आपके प्रांगण में किसी जगह पर एक आत्मा आती जाती रहती है, तो वहाँ जो भी आप लोगों ने बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बना के रखा है उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह के हॉन्टिंग का और कोई उपाय नहीं होता है। दूसरा होता है इंटेलिजेंट हॉन्टिंग। इंटेलिजेंट हॉन्टिंग मतलब कि हाँ, आपके घर में भूत है, और इस पे ही ये वीडियो है कि क्या कैसे पता करें कि हमारे घर में भूत है कि नहीं। और तीसरा होता है जो निम्न स्तर के प्रेत होते हैं, प्रेत नहीं कहें, डीमंस जिसको कहते हैं, ठीक है, तो जो लोअर लेवल के जो डीमंस होते हैं जिनको हम लोग गन कहते हैं, वो अगर आपके घर में आ गए हैं तो उनको कैसे आप पकड़ें या कैसे समझें कि वो आपके यहाँ हैं। देखिए, जब ये तीन चीज़ें आपके यहाँ जब आएंगी ना, तो जो प्राइमा फेशिया इसमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि आपको आभास होगा कि आपके आसपास में कोई है। ठीक है, तो वो आभास बहुत तरीके से देते हैं। एक तो देखिए, एक तो भूत वो होते हैं जो कि उस घर में रुक गए हैं या फिर किसी कारण से वो वहाँ पे रुके हुए हैं, उनकी मृत्यु हो गई, उनको पता नहीं, ये पहले भी बताया है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूसरे डायमेंशन से आते हैं आपको तंग करने के लिए या आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, कुछ वो होते हैं जो कि कुछ सामान उठा पटक करके फेंकते हैं, ये जनरली भूत नहीं होते, ये प्रेत योनि में होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हम लोगों को खुद नहीं भिड़ना चाहिए, जब भी ऐसा हो तो किसी ना किसी एक्सपर्ट को बुला लेना चाहिए। एक कुछ बहुत पहुँचे हुए फकीर होते हैं जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, मतलब वो शरीर छोड़ के आपके घर में आ जाएंगे और ऐसे आपको बिलीव करवाएंगे कि आपके घर में कोई आत्मा है। और एक अगर आप एंटीक के शौकीन हैं या सेकंड हैंड सामान रखने के शौकीन हैं, तो फिर आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो किसी ऑब्जेक्ट में लिपटी होती हैं और वो उनके साथ आपके घर में आ जाती हैं। हाँ, एक चीज़ और होता है जो बहुत रेयर होता है, कि अगर कोई आपका अपना या कोई बहुत आपका शुभचिंतक अगर वो मरने वाला हो तो वो वहाँ मरते हुए भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो मैं आप बताऊँगा लक्षण कि कैसे कैसे पता चलता है कि आपके आसपास कोई है। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई होगा तो आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। जैसे आज के डेट में जो सबसे कॉमन होता है वो होता है शैडो पीपल। शैडो पीपल क्या होता है? शैडो पीपल में ये लोग आपके आँख के कोने से दिखते हैं कि मेरे साइड से कोई गुजरा। साइकोलॉजी हर चीज़ का कारण निकालता है, लेकिन ये बात तय है कि अगर आपके आँख के साइड से आपको हमेशा लगे कोई गुजरे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि घर में किसी न किसी भूत का वास है।
कई बार जैसे आपके घर में अगर पेट है और वो पेट मर गया है तो पेट आपको बिल्कुल साक्षात घूमता हुआ दिखाई देगा। तो एनिमल जो जानवर होते हैं उनकी भी आत्माएं होती हैं। उसके बाद आपको कभी कभी बहुत ब्लर्ड जैसा कुछ दिखेगा, ऐसा लगेगा धुंधला है, मतलब सामने कुछ नहीं है लेकिन लगेगा कि सामने धुंधला कुछ दिख रहा है। तो वो एक तरीके का एक साइन होता है भूतों का, दिखाने का कि मैं यहाँ पर हूँ। इसके अलावा बहुत आपने फोटो में ऑर्ब्स देखे होंगे, ऑर्ब्स का मैं फोटो भी आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये अगर ऑर्ब्स आपको खुली आँख से दिखे और ये एक तरीके से मूव करे, ऐसे नहीं कि हवा के साथ बह रहा हो, तो ये एक साइन होता है कि आपके घर में भूत है। इसके अलावा लंबे लाइट के स्ट्रीक्स अगर आपको आपके घर में दिखें, ठीक है, या घूमते हुए कुछ इमेज दिखे जो बहुत रेयर होता है, अगर ये सब दिख रहा है तो फिर आपका घर भूता हो सकता है। तो देखने में इतने तरीके से भूत बताता है कि आपके घर में वो है। उसके बाद अगर आपको कान में आवाज़ सुनाई दे, ठीक है, जैसे बहुत बार लगता है कि कान में कोई बहुत धीरे से बोल के चला गया, फुसफुसा के चला गया, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई आपके दरवाज़े को खटखटा रहा हो, ठीक है, आप घर में अकेले हैं और चलने की आवाज़ आए, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि कहीं दूर में कोई रो रहा है या फिर कोई गुर्रा रहा है, कोई ज़ोर से चिल्ला रहा है या फिर कोई बहस कर रहा है या कोई हंस रहा है, ये भी एक मार्क करने की बात होती है अगर आपको शक हो कि मेरे घर में भूत है। कई बार ऐसे भी भूत होते हैं जो आप बैठे हैं तो आपको लगेगा किसी दूसरे रूम में टीवी चल रहा है या फिर म्यूज़िक बज रहा है, हाँ, या फिर मेरे दरवाज़ा के पीछे से कोई गाना गा रहा है। तो ये भी एक साइन होता है जो वो देते हैं कि आप यहाँ हैं। कई बार बर्तन टूटने की आवाज़ आएगी, ऐसा लगेगा कि फर्नीचर को कोई घसका रहा है। तो इन सब चीज़ों को हल्के में ना लें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घर भुताया है, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए। इसके बाद सूंघना, मतलब सूंघने की शक्ति पे भी वो अटैक करते हैं। आपको कई बार लगेगा कि कोई आपके घर में अगर किसी का देहांत हुआ हो तो उसकी खुशबू रूम में है, या फिर सबसे जो कॉमन गंध जो ये लोग फैलाते हैं वो होता है सिगार का गंध, सिगार के जैसा गंध। ऐसा आपको लगेगा कि कोई बैठ के सिगार पी रहा है आपके कमरे में, कोई धुआं नहीं कुछ नहीं लेकिन गंध सिगार का ज़रूर मिलेगा। गुलाब के फूल का, अगर कोई आपका बहुत ही जानने वाला है जो आपका शुभचिंतक है, उसके आने से गुलाब के फूल का सुगंध कमरे में फैलता है, ठीक है। या अगर कोई बहुत ही बुरी तरह बुरा आत्मा है या फिर कोई लोअर लेवल एंटिटी है तो आपको सड़े हुए मांस का गंध आएगा, ठीक है। देखिए एक एक करके ये हर आपका जो सेंस ऑर्गन है उसके माध्यम से बताते हैं कि भूत क्यों ऐसा करते हैं। भूत ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं होता, उन जिस कारण से वो रुके हुए हैं उस कारण को ख़त्म करने के लिए उनको कोई माध्यम चाहिए होता है। और अगर आप उस कमरे में या उस घर में रुके हुए हैं तो उनको लगता है कि आपके माध्यम से वो काम हो जाए, या किसी सामान या किसी घर को वो अपना मानते हैं और आपको वहाँ नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए भी भूत ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ताकि आप समझ जाएं कि वो वहाँ है, ठीक है। अब आइए टच पे, अगर आपके घर में भूत है तो वो आपको छुएगा ज़रूर, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा कि कोई आपको छू करके गया, ठीक है। आपको लगेगा कि आपके बालों में कोई हाथ फेर रहा है या चेहरे पे किसी ने थप्पड़ मारा। देखिए भूत मार तो नहीं सकते लेकिन वो आपको धक्का दे सकते हैं, वो आपको थप्पड़ मार सकते हैं, वो आपको पटक सकते हैं, वो आपको खींच सकते हैं। और अगर वो लोअर लेवल के डीमंस हो या जो गन कहते हैं हम लोग, प्रेत गन हो, तो वो आपका गला भी दबा सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस भी इसी में आता है। अगर आपके आसपास आत्माएं होंगी तो आपको हमेशा सुस्ती सा लगेगा, आपको लगेगा कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बहुत बार आप अपने घर में चल रहे हैं, रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा है लेकिन एक जगह से आप गुजरे तो आपको बहुत ज़ोर की ठंड लगती है, या किसी जगह से आप गुजरे तो बहुत ज़ोर का गर्म आपको लगा कि बाप रे ये यहाँ पे ऐसा, मतलब इतना अच्छा माहौल कैसा, या फिर इतना ठंड कैसा है मेरे घर में जबकि पूरे घर का टेम्परेचर मेंटेन है। तो वो तब होता है कि जब आप उस भूत को टच करके निकलते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी खड़ा होगा वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदल देता है। वो चाहे तो
आपके कमरे के गर्मी में से गर्मी खींचेगा या फिर ठंड में जो है अपनी गर्मी को फैलाता है। ठीक है, इसके अलावा कई भूत पक्का आपको बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ, अगर आप टैलकम पाउडर या कुछ भी ज़मीन पर छोड़ दे तो उनके पदचिन्ह वहाँ पे आ जाते हैं। यही नहीं, ऐसा भी केसेस आया है कि आपके घर में ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपका है नहीं, वो सिर्फ इसलिए रख के जाते हैं ताकि आप समझ पाए कि आप अकेले नहीं हैं, वो भी आपके साथ हैं। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि भूत जब आप किसी के लाइफ में एंटर करता है तो वो फिल्मों की तरह शरीर में नहीं घुसता है। अगर भूत आपके घर में होगा तो किसी न किसी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि कोई बहुत शांत रहने वाला इंसान बहुत खुश रहने लगे, या कोई बहुत ही खुश इंसान जो है वो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो जाए। ठीक है, दोनों केस में आपको समझना चाहिए कि घर में आत्माओं का वास है। अगर आपको बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा नहीं आता था, या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, आप लड़ जा रहे हो, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं और आपको लग रहा है कि ये लड़ाई है तो बिना मतलब के है, तो वो भूत करवाते हैं। इसके लिए भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि अगर आपको शक है कि आपके घर में भूत है तो लड़ाई झगड़े से घर में बिल्कुल बचे, क्योंकि हो सकता है वो अनइंटेंशनल हो, आप नहीं करवा रहे हो। साइकोलॉजी में हर चीज़ का एक कारण निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको हमेशा ऐसा लगे कि आपको कोई देख रहा है, आपके एक्टिविटीज़ को कोई वॉच कर रहा है, तो इस पर थोड़ा संज्ञान लें, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे हमारा एनर्जी सर्कल, हमारा ऑरा ये डिटेक्ट करता है कि हमारे अलावा कोई यहाँ है। आप देखोगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भूतों को देख सकते हैं। मतलब इसीलिए आप देखोगे छोटे बच्चों के बहुत सारे नहीं दिखने वाले दोस्त होते हैं, वो काल्पनिक दोस्तों से बात करते हैं, आपको लगता है वो काल्पनिक है लेकिन वो काल्पनिक होते नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में जानवर हैं तो आपने देखा होगा कि जानवर जो है वो किसी कोने को देख करके भौंक रहे हैं। हाँ, उसमें एक कारण ये भी होता है कि अगर दीवार के अंदर कोई चूहा हो या कोई कॉकरोच हो तो उसको ये कुत्ते सेंस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे ये भी देखा गया है कि ये स्पिरिट्स को देख करके एग्रेसिव होते हैं। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बदमाश भूत हुए वो सामान उठा पटक देते हैं। ठीक है, चोरियाँ होंगी आपके घर में, आपने एक कंघी कहीं पे रखी, पता चला वो कंघी गायब हो गया, फिर 2 मिनट बाद आप आकर के देख रहे हो तो वो कंघी वहीं पड़ी हुई है। आप देखोगे कि टीवी आप बंद करके गए हैं, टीवी चालू हो गया, रेडियो बंद करके जाइएगा, रेडियो चालू हो जाएगा, लाइट ऑन ऑफ करना, ये सब क्या है कि ये सब तरीकों से ये दिखाते हैं कि हम वहाँ पे। आजकल लेटेस्ट एक चला हुआ, आप मोबाइल को अगर रिंगर पे रख के जाओगे तो थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद जो है साइलेंट में चला जाता है। ठीक है, तो मैंने आज करीब करीब आपको 30-40 ऐसे तरीके बताए जिससे आपको ये पता चलता है कि भूत आपके पास है। तो कैसे कैसे पता चलता है, वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो आपसे फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, वो आपके आसपास की चीज़ों को छूते हैं, दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे, चीज़ों को फेंकेंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज आपके घर के जलने लगेंगे, ये भी एक काम वो लोग करते हैं। ठीक है, कुछ भी सही नहीं होगा आपके जीवन में। ठीक है, आपके इमोशंस अजीब हो जाएगा, आपको आपके घर में चीज़ें दिखेंगी जो कि इंसानों की तरह होंगी लेकिन है नहीं। आप अगर घर में बैटरी वैटरी रखते हैं तो वो बैटरीज आपका जो है वो पूरा ही ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, वो कभी आपके घर में बैटरीज चलेंगी नहीं। ठीक है, और डर अंतिम और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप में एक डर हमेशा समाया रहेगा जो कि ऐसी चीज़ों का जो है नहीं, क्योंकि डर ही एक ऐसा चीज़ है जिससे कि भूत आप पे राज करते हैं। जिस समय आप डरना छोड़ दोगे ये भूत आपसे डरने लगेंगे, यही एकमात्र तरीका है भूतों से बचने का। अच्छा, आज के लिए इतना ही, अभी मैं शाम में एक वीडियो डालूंगा जिसमें आत्मरक्षा का मंत्र जो है गृहस्थों के लिए वो मैं दूंगा, वो आत्मरक्षा और शाप विमोचन भी है, तो ये आप लोग करें और इससे आप लोग लाभ उठाएं। अब आप सभी को अलग आदेश।